गया। या पट्टू से कांचीपुरम जाने के लिए जो ना कहता है 40 किलोमीटर का वो है डिस्टेंस, तो अभी फिलहाल यहाँ से बस पकड़नी है और देख लेते हैं यहाँ पे। ये है प्लानिंग बस और इस बस का जो किराया है ना चुंबल पट्टू से कांचीपुरम तक का 25 रुपये है। अंदर से ऐसा कुछ नजारा है। और ये चुंगलपट्टू जो स्टेशन है ना, ये जो है ना एक मतलब इसके चारों तरफ ना छोटे छोटे पहाड़ हैं, तो जब आप किस साइड से भी आओगे, चेन्नई से आओगे या तिरुपुर से आओगे या फिर कांचीपुरम की साइड से आओगे ना, आपको पहाड़ी वाला रास्ता मिलेगा थोड़ा बहुत। मतलब स्टार्टिंग में जैसे जब यहाँ से स्टार्टिंग होगी ना तो 2 या 4 किलोमीटर तक आपको पहाड़ी का रास्ता मिलेगा आपको। कांचीपुरम के बस स्टैंड पर तो आ गए हैं और फिलहाल जैसा आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा था ना यार, वही सीन हो गया सीन में मेरे साथ। अभी जो है ना बस वाले ने उतारने में कम से कम यहाँ 1.5 घंटा लग गया है मुझे चुंगलपट्टू से यहाँ पे आने में, और 12:30 यार बज गए, लेकिन सारे मंदिर जो ना 4 बजे के बाद ही ओपन होंगे। तो हालाँकि मैं यहाँ के 3 मंदिर विजिट कर चुका हूँ पहले से ही, एक अम्बरनाथ, कामाक्षा अम्मन देवी टेम्पल और एक भगवान विष्णु का था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका। बाकी 2 टेम्पल मेरे और अभी बचे हुए हैं, वो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बाकी ये कुछ बस स्टैंड का नज़ारा है। ये जो सिटी है ना, ये सिटी पूरी फुल डेवलप है, और ये जो 7 सप्तपुरी ऋषि है ना इंडिया की, ये उनमें से एक है। तो यहाँ भी टूरिस्ट वगैरह का पूरा हब है यार, मतलब आप किसी भी, आप ट्रेन से आना चाहो, बस से आना चाहो, कैसे भी आना चाहो, बड़े आराम से। ये जो ना आपको बेंगलुरु के लिए भी बस मिल जाएगी, बेंगलुरु का जो टिकट प्राइस है यहाँ का ये बस जाएगी, और 280 रुपये बताया था एक टिकट का प्राइस। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, ये जा रही है पेरुमल टेम्पल की तरफ, और यहाँ से अभी लगभग है 3 किलोमीटर के आसपास में, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। बाकी ये फिलहाल कुछ यहाँ की सड़क और मार्केट का नज़ारा है, और यहाँ जितनी भी शॉप है ना, यहाँ जितनी भी साड़ियों की दुकानें हैं बड़ी बड़ी, उन दुकानों का जो स्ट्रक्चर है ना अधिकतर बाहर से होता है, जैसे मंदिर का स्ट्रक्चर होता है ना अंदर घुसते के साथ, हर दुकान के अंदर आपको गणेश जी की प्रतिमा जरूर मिलेगी उसके बाद में, और साड़ियों का, क्योंकि यहाँ जो मेन है ना, यहाँ पे सिल्क साड़ियाँ ज़्यादा बनती हैं, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है बहुत सारी। और बाकी शहर गर्मी तो बहुत है यार, लेकिन वेदर बहुत क्लीन है, पोल्यूशन एरिया बिल्कुल भी नहीं है ये। तो अभी चलते हैं वरदराज टेम्पल की तरफ, बने रहिए ब्लॉग में लगातार, जैसा आप देख रहे हैं ना वीडियो में बिल्कुल यही है वरदराज पेरुमल टेम्पल। फिलहाल आ तो गई है यहाँ बस स्टैंड से, और यहाँ तक की जो दूरी है ना यार है मतलब 3 किलोमीटर के आसपास की, आधे घंटा पहले चले थे, 1 घंटा पहले, और अब पहुंच चुके हैं। मंदिर जो खुलने का टाइम है ना 3:30 बजे का है, 4 बजे खुलते हैं, शाम को 4 से लेकर रात को 1-8 बजे तक रहता है, कोई 9 बजे तक रहता है। 8 बजे तक वो मंदिर रहते हैं जो आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया के अंडर में आते हैं, ठीक, और 9 बजे तक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ये है व्यू वरदराज पेरुमल टेम्पल का, ये थोड़ा पहाड़ से नज़ारे हैं। ये जो टेम्पल है ना भगवान विष्णु को समर्पित है, और अभी अंदर चलते हैं। ये भी दक्षिण भारत के जो है ना सबसे पुराने मंदिर है उनमें से एक है गाइस, ये है वरदराज पेरुमल टेम्पल। सो गाइस ये है अंदर से पेरुमल टेम्पल की, अंदर से जो है ना मंदिर की जो नक्काशी थी वो बहुत। ये इस मंदिर की खूबसूरती,
जैसे ये आपको पिलर दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे बने हुए हैं ऐसे ऐसे। पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसी तरह से बना हुआ है। एक ये इस तरीके से सरोवर बना हुआ है इसके अंदर ऐसा ही। और द्राज पेरुमल टेम्पल और फिलहाल अंदर की जो विजिट है वो आप देख ही चुके हैं। अंदर जो है ना अलग अलग बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन जो मंदिर का स्ट्रक्चर है ना, जो कलर वगैरह बने हुए हैं, मतलब घोड़े हैं, हाथी हैं, तो मतलब बहुत से जो जानवर हैं उन मतलब घर में से ही आकार दे रखा है उनको, और उनके कलर बना रखे हैं अच्छे अच्छे वाले। बाकी देखने की चीज़ है यार, आना चाहिए ज़रूर। क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया के टूर पर हो तो मंदिर वगैरह जो है ना यहाँ के हर मंदिर में जो है ना, मतलब एक खास बात है। मंदिर जितने भी आपको मिलेंगे ना यहाँ पर, कम से कम 3000 साल पुराने मंदिर हैं सब टोटल जितने भी हैं अधिकतर। कांचीपुरम के टूरिस्टों में से एक ही पूरा हब बना हुआ है यहाँ। जितनी भी आपको गाड़ियाँ दिख रही है ना, सब यहाँ जैसे टूर पर निकलते हैं, सब तरीके से निकले हुए हैं सारे के सारे, जितना भी आपने गाड़ी वगैरह देख रहे हैं। बाकी यार मंदिर की अगर खूबसूरती की बात करो ना, वाकई में बहुत, एक तो विशाल है अपने आप में, और पूरा मतलब बहुत अच्छे से बना हुआ है, काफ़ी पुराने टाइम का ये। मतलब हिस्ट्री वगैरह इसकी पढ़ लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो। बाकी जो यहाँ के राजा महाराजा थे, उन्होंने ही बनाया था अपने टाइम में मंदिर के जो अंदर जो है ना, एक जब अंदर एंट्री करते हैं, एक 5 रुपये का टोकन दिया था और फिर 2 रुपये की पर्ची होगा। बाकी अगर आप कैमरा वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए 100 रुपीज़ का चार्ज है। वो सामने बस स्टैंड है साइड में, और यहाँ से जो है ना वो मैजिक, टाटा मैजिक चलता है, 20 रुपये लेगा आपको यहाँ से, और यहाँ से भरद्वाज पेरुमल टेम्पल उतार देगा। एक साइड का जो फेयर लगता है ना 20 रुपये लगता है, और यहाँ से टाटा मैजिक चलता है ठीक। बाकी ये फिलहाल चौराया है, और उसके बाद अभी यहाँ से जो जाना होगा वो जाना होगा मेरे को भारत नटराज मंदिर, और बचा हुआ है उसको और आज कवर कर ले, उसके बाद में फिर जल्दी।